तो है गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग में आप सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो गाइस, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस आज मेरे जो है गेहूँ है ना, जो मतलब 2 बीघे के हैं, तो उसको काटने के लिए मशीन वाले को कॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं मशीन वाले को कॉल करता हूँ कि भैया कब आ रहे हैं, हमारे गेहूँ ख़राब हो जाएंगे, बारिश होने की संभावना हो रही है, तो हम कॉल करते हैं। तो मैं कॉल करता हूँ सबसे पहले। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने भैया को कॉल किया है, तो वो बोल रहे कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो हम बिना देरी करे और खेत पे निकल लेते हैं, क्योंकि गेहूँ काटने की मशीन आती ही होगी, तो बहुत ही जल्द मशीन का तो काम है, लगे 1 घंटे के अंदर अंदर उड़ा देगी पूरे खेत को। और ट्राली से गेहूँ कैसे घर लाते हैं, और मैं आपको पूरी प्रोसेसिंग बताऊँगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहे, ब्लॉग में हो आप नए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप सभी के लिए लाता रहूँगा। चलते हैं खेत की तरफ। और ये जो हमारा खेत है, ये मशीन और ये ट्रैक्टर, तो ये देख सकते हैं, ये खेत है हमारा 2 से 2.5 बीघा। और ये मशीन अब ये स्टार्ट हो गई। श्री गणेशाय नमः करते हैं स्टार्ट। ये आ गई है मशीन, ये स्टार्ट हो गई है, देख सकते हो आप। जय गणेशाय नमः। काट रही है, धूल बहुत उड़ रही है। मैं एक तरफ जाता हूँ, शुक्ले की ट्राली भर गई थी, तो ये ट्राली खाली करने जाएगी। अब दूसरी ट्राली मशीन के अंदर डालेंगे। ये देखो, ये फांद रहा है ये भाई, और वो उधर से दूसरी ट्राली लेके आ रहा है वो भाई ट्रैक्टर से, और ये मशीन इधर खड़ी है। ठीक है, तो व्लॉग में एंड तक बने रहे हैं, ऐसे ही मैं आपको एंड तक वीडियो पूरा बता दूंगा। ये ट्राली पूरी भर गई, तब जाएंगे घर पर खाली करने इसको। तो ये दूसरी ट्राली आप फांद देंगे, देखो ये बलर आ गया यार, क्या समझ में आ रहा है। देखो इस मशीन को इस प्रकार से जा रहे हैं खाली करने, खाली कर खेत कट चुका है, वो मशीन वो खड़ी है। तो बहुत ही जल्दी मेरा खेत कट जाएगा और हम फिनिश हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बार और गेहूं में ट्राली डालेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा, अभी का तो मैं बता नहीं पाया आपको, क्योंकि मैं घर पर चला गया था। और ये है मेरा अंकल का ट्रैक्टर खड़ा है, ये वाला पीछे, उसमें गेहूँ डाले अभी। मशीन में क्या पता क्या प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ पर खड़ी रह गई थंबनेल के लिए। ये देखो मशीन में क्या तब क्या प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये भैया सही कर रहे हैं, सभी पंजाबी भैया है ये। और ये मेरी सिस्टर जा रही है, ये भैया सही कर रहे हैं। क्या पता क्या मिस्टेक हो गई यार, अभी गेहूँ बाकी रहे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो। देख सकते हो ये मशीन फिर से सही हो गई। और छोटू भाई क्या बोल रहे हैं, बोल दो। हाय गाइस, सब्सक्राइब करने बोल दो प्लीज, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। हाँ देख लो, वो चल रही है, बहुत जल्द कट जाएंगे। बेल आइकन वो यहां यहां लगा रहे ने, वो मैं पे रही हूं, क्या रही हूं, माइक के रे बनने हैं। हां माइक क्यों भी, मोबाइल में लगा दे। गेहूं खाली करेगी हमारी ये मशीन, यार
सारा काम निपट चुका है और ये मशीन, तो गाइस मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया तो उसके लिए सॉरी। ब्लॉग को करते हैं यही समाप्त। मशीन अब उसके घर जा रही है, देखो ये चल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।